सिंह पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ चार गोलियां मार दी। बदमाश ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब सुनील सिंह अपनी कार से कहीं जा रहे थे। घायल प्रॉपर्टी डीलर सुनील सिंह को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही एडीजी राजीव कृष्ण और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायल का हालचाल लिया। पुलिस बदमाशों के लिए तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इलाके में नाकेबंदी भी कर दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। राजधानी में यह शूट आउट जहां सुनील सिंह को चार गोली मारी गई, ये कहना एसएसपी का। हालचाल जानने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे। घर के पास लगभग 700 मीटर दूरी पर जो है इन पर फायर वहां पर किया गया है। इनके हाथ पांव और चेस्ट के बगल में फायर इंजरीज आई हैं, जिनको यहां ट्रॉमा पे लाया गया। मेरे द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा यहां पर जो परिजन है उनसे भी वार्ता की गई। बाकी डिटेल अभी विस्तृत डॉक्टर बताएंगे, ऐसा जो उन्होंने अभी मौके तौर पे बताया मैं आपको बता रहा हूं। और अभी ये इलाजरत यहां पर हैं। वहीं मौके पर एसपी क्राइम एसपी नॉर्थ टीमों को लगा दिया गया है और जितने भी इनके जो बिजनेस का था या कोई रंजिश थी उसके बारे में जानकारी की जा रही है। और खबर ग्रेटर नोएडा से है जहाँ पर युवती ने आत्महत्या की कोशिश